Hello guys, welcome to our channel Sonam Sona. मैं जा रही हूँ मार्केट और तो मैं जा रही हूँ मार्केट. कल पूजा है तो उसी का थोड़ा थोड़ा सामान लेना है और मैंने इयर रिंग्स निकाल दी. कल मैंने हेयर वॉश की, मेरा स्किन और मेरा सर इतना ऑयली है कि क्या ही बताया. मैं मॉइस्चराइजर ना भी लगाऊँ ना तो मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत ना पड़े. तो जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा थोड़ा सा लेना है सामान पूजा का, वही ले रही लेने जा. गाइस अभी हम पूजा करके आ गए हैं और सिंदूर बहुत ज़्यादा लग गया है लेकिन अच्छा लग रहा है. मैंने फर्स्ट टाइम लगाया ऐसा सिंदूर, अच्छा लग रहा है. और मैं अपना फुल लुक दिखा दूँगी. मैंने ऐसे रेड कलर की साड़ी पहनी है सिंपल सी और मेरे बाल क्या बोलते हैं लेयर में कटे हैं तो जुड़ा नहीं बन रहा था, बट मैंने हेयर स्प्रे करके जैसे तैसे बना लिया. और ये रही मेरे हाथों की मेहंदी, ये मैंने लगाई है और ये मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई है जो है, बट कोई बात नहीं, अच्छी है. और मैं कैसे लग रही हूँ प्लीज़ आप लोग बताइएगा. अथर्व जो है, मैं अपना फुल लुक डालूँगी. मैं सुबह कुछ नहीं मैंने सूट किया है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करना था और 11:30 बज गया है. वहाँ पर लेडी जी कथा करने लगे, हमारे कथा नहीं होता है ऐसे, बहुत सिंपल सा होता है पूजा बस और कुछ नहीं. और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे नाक से सिंदूर लगाया तो मुझे अच्छा लग रहा है. जो गुड आफ्टरनून गाइस, तो दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने फेस वॉश कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा यहाँ फैल गया था तो मैंने इसलिए बहुत पूरा नहीं क्लीन किया है, बट मैंने हाँ फेस वॉश कर लिया. अभी जा रही हूँ काम करने, बहुत फैलाव फैल गया था. प्रसाद वगैरह सब बर्तन अभी पड़े हैं धुलने के लिए बहुत सारे. मैं आके इतना थक गई थी, बस पानी मैंने बहुत सारा पिया, उसके बाद मैं लेटी थी. फोटोज़ थोड़ा बहुत मैंने क्लिक करवाई बट ठीक आई है, ठीक ही है. मैं अभी बर्तन करूँगी और मेरा बेटा पता नहीं कहाँ खेलने निकल गया, उसको खेलने पता नहीं क्या ही ज़्यादा इतना शौक है कि राम जाने खेलने निकल गया है, काफ़ी देर हो गया है. चलिए मैंने ये मंगलसूत्र नहीं निकाला है अभी, बोलते हैं सारा कुछ तुरंत नहीं हटाया, मैंने तुरंत नहीं हटाया था. मैं 10:30 बजे पूजा करके आ गई थी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक की, चाय पी. और हाँ मेरे हस्बैंड थे आज, मैंने बोला था कि दोपहर में जाना तो वो दोपहर में अपना ड्यूटी ऑफिस जो भी बोल लो गए हैं जो है. और चाय पी के फिर मैं काफ़ी देर तक लेटी थी और गर्मी क्या बोलते बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है. फिर मैंने चेंज करके खाना खा लिया, खाना खा के अब मैं थोड़ा थोड़ा काम करूँगी. और ये तो 12 दिन हमारे यहाँ पहनते हैं, बहुत मोटा है बट मुझे अच्छा लग रहा है, 12 दिन पहनते हैं तो इसको मैं 12 दिन पहनूँगी. और मैंने बैंगल्स चेंज करके ये वाली मैंने चढ़ाई थी जो लेमन येलो कलर की, पानी सेट बोलते हैं इसको, तो मैंने ये पहन लिया, मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने पहन लिया है. तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को, मिलेंगे हम शाम को. गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं. कल मैंने ये कपड़े हाथ से धुले थे, ये मेरा वाइट दुपट्टा है, मेरी टॉप है, वाइट कुर्ती है और एक कुर्ती है. और ये मैंने अपनी साड़ी धुली थी, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट और ये मेरे हस्बैंड की पैंट है. क्योंकि धुल दो तो फिर पूजा में कल पहना था, धुल के रखो तो सब बेटर रहता है, अदरवाइज़ कभी पहनने का मन करता है पूजा पाठ करो घर में, कभी पहनने का मन करता है तो पता चला जूठा रखा है कपड़ा, तो इसलिए मैंने तुरंत के तुरंत लगे हाथ धुल दिया था शाम को और सूख गया. तो और वाइट कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती हूँ तो इसलिए मैंने हाथ से ही वॉश किए थे. और पैंट भी कोई कोई होती उसमें कलर बहुत छूटता है तो मैंने इसलिए हाथ से ही मैंने धुल लिया था. तभी मैं इनको उतार के रख देती हूँ फोल्ड करके. गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो मैं भी किचन में आ गई हूँ और मुझे अपना पूरा ये क्लीन करना है, टॉप मतलब आई मीन काउंटर, किचन काउंटर क्लीन करना, गैस भी. सुबह मैंने लंच रेडी किया था, ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए सब्जी और रोटी जो है रेडी किया था. तभी फिर उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई थी, मैंने क्लीन नहीं किया. अभी दोपहर का टाइम है तो मैं क्लीन करूँगी और बर्तन भी मुझे क्लीन करने हैं, धुलने हैं तो मैं बर्तन भी धुलूँगी. उसके बाद मेरे को बनाना है राइस और राइस बनाऊँगी. तो चलिए फटाफट से काम पर लग जाते हैं.
तो मेरा भी ये गैस वगैरह पूरा क्लीन हो गया है अच्छे से। और ये सब्जी रखी है, ये यहाँ पे रोटी रखी हुई है, अभी मैं बना दूंगी, राइस बनाऊंगी। और ये मेरे को अदरक धुलना है, ये पूजा पाठ के बर्तन हैं हमारे जो है, तो मैं अभी क्या बोलते हैं, हाँ बर्तन धुलूंगी और ये अदरक धुलूंगी। इसमें मैंने बादाम भिगोए थे कप में, वो हैं जो है। अभी मैंने राइस चढ़ा दिए हैं, अदरक में मैंने बाउल में पानी भर के रख दिया है, थोड़ी सी गंदी आती है ये, तो फिर भी साफ नहीं, अदरवाइज बहुत मिट्टी लग के आती, थोड़ा अच्छे से भीग जाएगी, थोड़ी देर सूख करके रख दिया है, उसके बाद मैं धुल लूँगी। तो मैं दिखाती हूँ, मैं उस दिन वट सावित्री से एक दिन पहले मैं अपने लेबिच पे लेके आई थी, डेली वेयर के लिए क्या हूँ, बहुत पतले पतले से, और क्या ये कपड़े रखे हुए हैं होल्ड करने के लिए, कल मैंने मशीन लगाई थी तो अभी उतार के मैंने रखे हैं, होल्ड करने के लिए रखे हैं। मैं दिखाती हूँ बिछवे में लेके आई थी, और यार बहुत महंगा हो रखा है सिल्वर और गोल्ड, तो सिल्वर 75 में यहाँ पर है और गोल्ड है 65 में। और ये इनको एक ही टी शर्ट फेवरेट लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इनके स्कूल के फंक्शन में लगा था इन्होंने, वही पहन के रखा है, इतने सारे कपड़े हैं बट इनका वन ऑफ द फेवरेट है ये। ये थे वो बिछवे जो मैं लेके आई हूँ, उस दिन दो पैर लेके आई हूँ मैं, एक ही डालती हूँ। ओ भाई यार सिट लाइट चली गई। तो ये मेरे हैं पुराने बिछवे जो मैं डेली वेयर में डालती थी, ये देख लीजिए, ये मेरे पुराने हैं जिन्हें मैंने डाल के रखा था, तो मैंने उस दिन नए लिए हैं जो है कि, और ये नए हैं। लाइट चली गई। और ये हैं जो मैं नए लेके आई हूँ जो है नया डिज़ाइन के हैं, नया डिज़ाइन क्या चल रहे हैं ऐसे ही, बट ये मुझे अच्छे लगे थे, बट ऑक्सीडाइज जैसे और थे, ऑक्सीडाइज जैसे थे बट बहुत सुंदर लग रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मेरे को लगा कि वो चांदी नहीं है, ऑक्सीडाइज जैसे लग रहे थे, बोल रहे थे कि चांदी ही है, बट मैंने छोड़ दिया, तो फिर मैंने ये वाले लिए हैं। और प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं भी सीख रही हूँ, मैं कभी कभी बातें बहुत ज़्यादा रिपीट कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत किया करिए, मैं भी सीख रही हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। ये देख लीजिए एक ही एक में डालती हूँ, और ये अपना गाड़ी दिखा रहे हैं, मैं एक ही एक डालती हूँ, और एक ये मैं लेके आई थी जो मैंने डाल रखा था, और मैंने जब डाला है उसी के जस्ट बाद ही इसका स्टोन निकल गया, ये देख लीजिए स्टोन लगा हुआ था, डेली वेयर के लिए सिंपल है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया था जो है। जा रही हूँ लंच करने क्योंकि 2 बज गया है, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया है कि वो लेट से आएंगे, अभी उनका थोड़ी देर पहले कॉल आया था कि वो बोले लेट से आएंगे, तो बोला लंच कर लेना, वैसे भी मैंने उनको सुबह लंच दे दिया था तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। तो हम हैं, हमारे पुत्र जी हैं, हम ये दोनों लोग लंच करेंगे, तो जा रहे हैं लंच करने, और मैं ब्लॉग को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती, तो आई होप ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मैं अपना ग्रीन टी लेके आ गई हूँ, ग्रीन टी पी रही हूँ, साथ में कैरम खेल रहे हैं हम लोग मतलब हम और मेरा बच्चा, दोनों खेल रहे हैं। थोड़ी देर खेल लो, अदरवाइज़ फिर वही पूरा टाइम फ़ोन में या फिर घर के काम में, तो इससे अच्छा है कि थोड़ी देर बैठ के खेल लो, अपना टाइम पास भी हो जाता है, और अपना मैं साथ में अपना ग्रीन टी भी इंजॉय कर लूँगी। मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो जो है, और मैं भी सीख रही हूँ, चीज़ें सीखते सीखते ही इम्प्रूव होती हैं, सो बाय।